जब भी देश इस तरीके के दुख में होता है तब ये हमारा चोर चौकीदार समझौता कर रहा होता है और देश की संपत्ति को अपने दोस्तों को बेच रहा होता है। हमको इस देश के 130 करोड़ लोगों की परवाह है, इसीलिए अपनी जान की परवाह किए बिना भाजपा और आरएसएस से सवाल पूछते हैं, यह बात मैं आपको कहने आया हूं। और यह जो देशभक्ति का नाटक कर रहा है, इस देश के लोगों को बेवकूफ बना करके इस देश के लोगों के मन में एक खास तरीके का ब्रांडिंग करके फिर से चुनाव जीतना चाहता है और अपने चोर दोस्तों को मदद पहुंचाना चाहता है। पुलवामा पे जब ये घड़ियाली आंसू बहा रहे थे, जब देश सचमुच गमगीन था और गम में डूबा हुआ था, उसी बीच इन्होंने क्या किया, इस देश के 5 एयरपोर्ट को इन्होंने बेच दिया। पता चला किसी को, खबर आई किसी को, 5 एयरपोर्ट ये बेच दिया। जब भी देश इस तरीके के गम में होता है, जब भी देश इस तरीके के दुख में होता है, तब ये हमारा चोर चौकीदार समझौता कर रहा होता है और देश की संपत्ति को अपने दोस्तों को बेच रहा होता है। और खड़ा होकर के झूठ बोलता है देश से। और इस झूठ के आलम में, इस झूठ के माहौल में लोगों को भटकाने के लिए कैसे कैसे शब्द का इस्तेमाल करता है। कहता है कि भारत को उन लोगों से ज्यादा खतरा नहीं है जो देश के बाहर के दुश्मन हैं, उन लोगों से ज्यादा खतरा है जो देश के भीतर हैं। तो तुम क्या कर रहे हो, तुमको वहां अलवा छीनने के लिए लोग बिठाया है, ये हमको बताओ। जैसे मोहम्मद ने आतंकवादी घटना की, हमारे देश के जवान शहीद हुए, आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कौन करेगा? फेसबुक पोस्ट से खत्म होगा, ट्विटर पे एक दूसरे को गाली देने से खत्म हो जाएगा कि उसकी जिम्मेवारी किसी को लेनी पड़ेगी? रक्षा मंत्री का एक भी बयान आप में से किसी ने भी सुना है? तो रक्षा मंत्री देश की रक्षा के लिए बने हैं कि प्रधानमंत्री का झूठ की रक्षा के लिए बने हैं? ऐसा माहौल है। आपने गृह मंत्री का कोई बयान सुना है? जानते हैं गृह मंत्री कौन है? सबसे ज्यादा वो क्या करते हैं, करी निंदा। तो वो गृह मंत्री नहीं है, वो करी निंदा मंत्री है, एक अलग से विभाग खुला है। गृह मंत्री का आपने कोई बयान सुना है? धन्यवाद मोदी जी, आप नहीं होते तो हम बदला नहीं ले पाते। ऐसा लग रहा है कि अभिनंदन पायलट नहीं थे, वो नहीं उड़ा रहे थे मिराज को, मोदी हेलमेट पहन करके गया था उड़ाने के लिए। देश चल नहीं रहा है, एक भाषण अपने मन से दे नहीं सकता है, लिखा हुआ पढ़ता है उसमें भी गलती करता है और झूठ बोलता है, उसको श्रेय दिया जा रहा है कि उसने बदला ले लिया। आप भूल रहे हैं मेरे देशवासियों, ये बदला नहीं ले सकता है, ये बिरयानी जाकर के खा सकता है, ये कभी बदला नहीं लेगा, क्योंकि इसको बदला लेना ही नहीं है। बदला ये कैसे लेगा? बदला लेने के लिए जिम ही जाएगा, तिहु इसका दोस्त जो है अदानी, इसको पीछे से चुट्टी काटेगा ऐसे करके, है कहां जा रहा है? ज्यादा करोगे चंदा नहीं देंगे, फिर चुनाव कैसे लड़ोगे, हेलीकॉप्टर पे कैसे चढ़ोगे? है हिम्मत? इस देश के आम लोगों से कहता है कि आप देशभक्त हैं कि नहीं है, सबूत पेश कीजिए। हम कहते हैं सरकार से कि है हिम्मत तो अदानी का जो प्रोजेक्ट पाकिस्तान के साथ चल रहा है उसको जरा बंद करके हमको दिखा दो, तुम्हार का बेटा का जो बिजनेस चल रहा है पाकिस्तान के साथ जरा उसको बंद करके हमको दिखा दो,